हेलो गाइस, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। आप देख रहे हैं टेक वर्ल्ड। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आप लोग किसी भी पीडीएफ को सिक्योर कैसे कर सकते हैं, उसमें पासवर्ड किस तरह से लगा सकते हैं। मतलब कि आप लोग अपने पीडीएफ में ऐसा पासवर्ड लगा सकते हैं कि अगर आप लोग इसको कहीं भी शेयर करेंगे तो पीडीएफ डाउनलोड होने के बाद आपको उसमें पासवर्ड एंटर करना पड़ेगा, उसके बाद जाके आप लोग उस पीडीएफ को व्यू कर पाएंगे। या फिर आप लोग किसी को भी सेंड करेंगे तो सेंड करने के बाद उसके पास जो जाएगा वो जब पासवर्ड एंटर करेगा तभी जाके वो पीडीएफ को देख पाएगा। तो आप लोग ऐसा पीडीएफ कैसे बना सकते हैं, आज के वीडियो में आप लोग को यही बताऊँगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब नाउ and press the bell icon, never miss an update। तो फ्रेंड्स, जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोग अपने पीडीएफ में पासवर्ड लगा पाएंगे और अगर आप उस पीडीएफ को शेयर भी करेंगे तो सामने वाले को पासवर्ड एंटर करना पड़ेगा उस पीडीएफ को व्यू करने के लिए। तो आप लोग ऐसा पीडीएफ को कैसे बना सकते हैं, अब मैं आपको बताऊंगा। तो ये पीडीएफ बनाने के लिए आपको एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी। इस एप्लीकेशन का नाम है पीडीएफ कन्वर्टर। अब इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कैसे करना है ये मैं आपको वीडियो में आगे चल के बता दूंगा। पहले आप लोग ये देख लीजिए कि इस एप्लीकेशन के थ्रू अपने पीडीएफ में पासवर्ड कैसे लगाना है। तो सबसे पहले मैं अपने पीडीएफ कन्वर्टर को ओपन कर लेता हूँ। जब आप लोग इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा और ये एप्लीकेशन एकदम फ्री है। आपको प्रो वर्जन खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये एप्लीकेशन एकदम फ्री है, आप लोग इसको एकदम फ्री में यूज़ कर पाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिमाइंडर दे दूँ, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे इमेज को सिलेक्ट कर लेना है। तो इमेज को सिलेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पे एक छोटा सा इमेज का बटन आ रहा होगा, आपको उस पर टैप करना है। टैप करने के बाद आपको देखिए सबसे फर्स्ट में एक कैमरा का ऑप्शन आ रहा होगा, आप लोग डायरेक्ट फोटो खींच के उसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर आप लोग गैलरी से भी सिलेक्ट कर पाएंगे। तो मैं गैलरी में कोई भी फोटो को सिलेक्ट कर देता हूँ। देखिए मेरा पूरा गैलरी यहाँ पर आ चुका है, अब मैं अपने फोटोज़ को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने तीन फोटोज़ को सिलेक्ट कर लिया, आप लोग कोई भी फोटो को सिलेक्ट कर लीजिए, आप लोग यहाँ पे जितना चाहे उतना फोटो को सिलेक्ट कर पाएंगे। तो सिलेक्ट करने के बाद आपको ये जो डन का बटन है आपको इस पर टैप करना है और आपका फोटो सिलेक्ट हो जाएगा। और अगर आपको फोटो को डिलीट करना है यहाँ से तो आप लोग ये जो डस्टबिन का बटन है आप लोग इस पर टैप करेंगे तो आपका जो फोटो यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, अब आते हैं मेन टॉपिक पर, आपको इसको कन्वर्ट कैसे करना है। अगर आपको इसको जो ऑर्डर है उसको चेंज करना है तो यहाँ पे देखिए नीचे में आपको सॉर्ट इमेज बाय नेम और डेट ऐसा ऑप्शन आ रहा होगा, आप लोग इसका जो ऑर्डर है वो भी चेंज कर पाएंगे। तो आप लोग नेम के थ्रू या फिर डेट के थ्रू आप लोग चेंज कर पाएंगे। उसके बाद नीचे में आपको कन्वर्ट टू पीडीएफ का बटन दिख रहा होगा, आपको उस पर टैप करना है। तो जब आप लोग टैप करेंगे तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको पीडीएफ का नेम डालने को बोलेगा। तो आप लोग जिस भी नेम का अपने पीडीएफ को बनाना चाहते हैं वो नेम आप लोग यहाँ पर डाल दीजिएगा। ठीक है, तो मैंने अपना पीडीएफ का नेम एंटर कर दिया है। उसके बाद देखिए सेकंड नंबर पे आपको ब्लैक एंड व्हाइट का ऑप्शन मिल रहा होगा। अगर आप लोग चाहते हैं आपको जो पीडीएफ है वो ब्लैक एंड व्हाइट कलर का हो जाए तो आप लोग यहाँ पे करके डायरेक्टली उसको ब्लैक एंड व्हाइट कलर का बना सकते हैं। और आपको नीचे में कंप्रेस पीडीएफ का भी ऑप्शन मिल रहा होगा। अगर आप लोग ने बहुत सारे इमेजेस को सिलेक्ट कर लिया है तो आपका जो पीडीएफ का साइज़ है वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा, और अगर आप चाहते हैं कि उसका जो साइज़ है वो थोड़ा कम हो जाए तो आप लोग यहाँ पर इसको कंप्रेस भी कर सकते हैं। लेकिन कंप्रेस करने से आपको जो पीडीएफ का क्वालिटी है वो थोड़ा सा लो हो जाएगा, तो अगर आप लोग चाहे तो इसको कंप्रेस कर सकते हैं, तो मैं अभी नहीं करूँगा। अब इस पीडीएफ में पासवर्ड कैसे लगाना है, तो सबसे ऊपर में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे पीडीएफ पासवर्ड आपको दिख रहा होगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो आपको यहाँ पर अपना पासवर्ड को एंटर करना है, जिस भी पासवर्ड को आप लोग यहाँ पर एंटर करेंगे वो आपका पीडीएफ का पासवर्ड बन जाएगा। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं अपने इंस्टाग्राम का जो आईडी है उसको ही पासवर्ड बना देता हूँ ताकि मेरे को याद रहेगा। तो ये है मेरा इंस्टाग्राम का आईडी, आप लोग चाहे तो मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा या फिर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग डायरेक्टली मेरे इंस्टाग्राम पे पहुँच जाएंगे और आप लोग फॉलो कर लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पर मेरा इंस्टाग्राम का यूज़र नेम का पासवर्ड बना दिया, उसके बाद मैं यहाँ पर कन्वर्ट पर टैप करूँगा। कन्वर्ट पर टैप करने के बाद मेरा जो पीडीएफ है वो कन्वर्ट हो रहा है और आप लोग देख सकते हैं मुझे पीडीएफ वो कन्वर्ट हो चुका है। और जो मेरा पीडीएफ का नाम है वो है टेक वर्ल्ड अजीत प्रसाद, आपको ऊपर में ही दिख रहा होगा। उसके बाद यहाँ पे साइज़ है और यहाँ पे जो पासवर्ड है उसमें यस लिखा हुआ है। ठीक है, अब अगर आप इस पीडीएफ को ओपन करेंगे तो आपको ओपन करने के साथ साथ इसमें पासवर्ड भी एंटर करना पड़ेगा। अब मैं आपको इसको शेयर करके दिखा देता हूँ, मैं यहाँ पर शेयर पर टैप करता हूँ और यहाँ पर आप लोग को बहुत सारा शेयरिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पर व्हाट्सएप पर इसको व्हाट्सएप पर शेयर कर देता हूँ। और देखिए मैंने इससे पहले जो पीडीएफ शेयर किया था ये वाला,
आप लोग देख सकते हैं ये वाला पीडीएफ मैंने इससे पहले शेयर किया था। आप लोग देखिए इसमें थोड़ा सा प्रीव्यू भी ओपन हो रहा है, ठीक है आप लोग, ये मेरा फोटो का थोड़ा सा प्रीव्यू ओपन हो रहा है, लेकिन जो पीडीएफ में हम लोग पासवर्ड लगाए उसमें बिल्कुल भी प्रीव्यू नहीं आ रहा है, ओनली पीडीएफ का नेम और पीडीएफ का साइज लिखा हुआ है। अब मैं आपको ये पीडीएफ दिखा देता हूँ, यहाँ पे जो फोटोज़ है उसका जो प्रीव्यू है वो मेरे को पहले से ही शो हो रहा था, और अगर मैं इस पीडीएफ को ओपन करता हूँ तो इसमें कोई पासवर्ड नहीं मांग रहा है, मैं डायरेक्टली अपने फोटोज़ को देख पा रहा हूँ, ठीक है। अब ये पीडीएफ एक बार सेंड हो जाए फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि इस पीडीएफ में आपको कैसे पासवर्ड डालना पड़ता है। ठीक है, तो हमारा जो पीडीएफ है वो सेंड हो चुका, अब हम लोग इस पीडीएफ को ओपन करते हैं और देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो जब मैंने इस पीडीएफ को ओपन करा यहाँ पे लिखा हुआ है दिस फाइल इज़ प्रोटेक्टेड एंटर पासवर्ड, तो मेरे को पासवर्ड यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा। अब अगर मैं इसमें कोई गलत पासवर्ड एंटर करता हूँ, ठीक है, तो देखिए मैंने कुछ भी लिख दिया, अगर मैं ओपन पे टैप करता हूँ तो ये जो पीडीएफ है ओपन नहीं होगा, तो मेरे को इसमें करेक्ट पासवर्ड डालना पड़ेगा तभी मैं इस पीडीएफ को देख पाऊँगा। ठीक है, तो चलिए करेक्ट पासवर्ड डाल देते हैं। ठीक है, तो हमारा जो पासवर्ड था वो हम लोग इसमें एंटर कर देते हैं। तो जैसा मैंने आप लोग बताया मेरा जो इंस्टाग्राम का आईडी था वही एक पासवर्ड था, तो मैं अपना इंस्टाग्राम का आईडी को यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। ठीक है, तो हम लोग ने अपने पासवर्ड को एंटर कर दिया है, अब हम लोग ओपन पे टैप करेंगे। तो देखिए हमारा जो पासवर्ड है वो करेक्ट था और हमारा जो पीडीएफ है वो ओपन हो चुका है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं हम लोग पीडीएफ को व्यू कर पा रहे हैं और जूम वगैरह सब कुछ कर पा रहे हैं अपने पीडीएफ के साथ। अगर आप लोग इस पीडीएफ को बैक करके फिर से ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे फिर से पासवर्ड को डालना पड़ेगा, तभी आप लोग इस पीडीएफ को फिर से देख पाएंगे। तो जितना बार भी आप लोग इस पीडीएफ को ओपन करेंगे उतना बार आपको पासवर्ड को डालना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि एक बार पासवर्ड आप लोगों ने डाल दिया तो ये सेव हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो आपको बार बार जितना बार आपको पीडीएफ को व्यू करेंगे आपको उतना बार पासवर्ड को डालना पड़ेगा। अब इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कैसे करना है, इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए आपको अपने गूगल प्ले स्टोर पर जाना है। ठीक है, तो आपको अपने गूगल प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है, फिर जब आप लोग गूगल प्ले स्टोर को ओपन करेंगे आपको वहाँ पर सर्च करना है पीडीएफ कन्वर्टर। ठीक है, जब आप लोग पीडीएफ कन्वर्टर सर्च करेंगे आपके सामने बहुत सारा कन्वर्टर आ जाएगा, पर जो एप्लीकेशन मैंने आप लोग को बताया या फिर जो एप्लीकेशन मैं यूज़ करता हूँ वो ये वाला एप्लीकेशन है। ठीक है, इमेज टू पीडीएफ कन्वर्टर जेपीजी टू पीडीएफ, इसको आप लोग ऑफलाइन कन्वर्ट कर पाएंगे। तो ये है ऑफिशियल एप्लीकेशन जो मैं अभी यूज़ कर रहा था, तो आप लोग इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, और ये एप्लीकेशन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अगर आप लोग चाहें तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करिए और आप लोग सीधे इसी पेज पर आ जाएंगे और यहाँ पर आके आप लोग इसको डाउनलोड कर लीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही, अगर आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा जिससे आपको हमारे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगी, और साइड में आप लोग को दो वीडियोस दिख रही होगी आपको उस पर क्लिक करना है और मैं आप लोग को वहाँ पर मिलूँगा। तब तक के लिए गुड बाय।